हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू साइड ई स्पोर्ट्स। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि गाइज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो कि सितंबर मंथ की टीम रैंकिंग। तो गाइज, यहाँ पर देखते हैं कि कौन से टीम ने यहाँ पर टेबल टॉप किया है, कौन से टीम यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेबल आई है, और गाइज किस टीम का यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है, किस टीम का यहाँ पर परफॉर्मेंस में जो कि इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यार, जो कि अगस्त की भी रैंकिंग आ गई, सितंबर की भी रैंकिंग आ गई, और जो कि गाइज अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, बट गाइज आपने तो मेरे 9K करवाया ही नहीं। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें यहाँ पर 9K करवाने हैं। जो कि रैंक टेबल दिखाने से पहले मैं आपको जो कि कैसे रैंक यहाँ पर दिए जाते हैं पहले वो फॉर्मेट जो कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली जो भी टूर्नामेंट का प्राइस पूल यहाँ पर 50 के अबाव होता है, वही टूर्नामेंट के जो कि फाइनल स्टैंडिंग जो कि रैंक टेबल में ऐड किए जाते हैं। आपको बता देता हूँ कि पॉइंट्स यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जो भी गाइस यहाँ पर टूर्नामेंट की फाइनल स्टैंडिंग होती है, अगर कोई टीम फर्स्ट आती है तो उसको 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, सेकेंड या थर्ड आती है तो 6 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स को यहाँ पर 4 पॉइंट दिए जाते हैं, और 7, 8, 9 को यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जाते हैं, और 10th, 11th, 12th को यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। फुली गाइज यहाँ पर आप सारे फॉर्मेट को समझ ही गए होंगे। तो गाइज अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की ओर। पर वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी टीम जो कि टेबल टॉप करेगी। तो गाइज यहाँ पर टेबल टॉप में ना यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ बैटल है, ना टीएम, ना टीम इवोल्यूशन, ना हैकी स्पोर्ट्स, ना ओजी, ना टीएसजी। तो गाइज यहाँ पर टेबल टॉप किया है अपना जो कि ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स ने 206 पॉइंट्स के साथ। पर कॉन्ग्रेस टू ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स। और गाइज सेकंड पे अपनी वर्ल्ड ऑफ बैटल 203 पॉइंट्स के साथ। तो गाइज लास्ट टाइम ये टेबल टॉप थे, बट गाइज यहाँ पर सितंबर मंथ में इन्होंने सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर एंड किया है। बाकी गाइज यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर अपनी टीम माफियाज 184 पॉइंट्स के साथ। तो गाइज यहाँ पर 2-3 मंथ से जो कि टेबल टॉप कर रहे थे अपनी माफियाज, बट गाइज लास्ट 2 मंथ से जो कि सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे उनको एंड करना पड़ा। बाकी गाइज परफॉर्मेंस तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो हमेशा की तरह दिखाई दे रही है। पर फिफ्थ पोजीशन पर अपनी हेक्स ईस्पोर्ट्स 165 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस इन्होंने भी इस मंथ में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि गाइस ये लास्ट टाइम 7th पोजीशन पर थे। तो गाइस यहाँ पर 6th पर है अपनी ओजी इलीट जो कि ऑरंगुटन इलीट 164 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कमबैक किया है, क्योंकि गाइस ये लास्ट मंथ में जो कि 12th पोजीशन पर थे। पोजीशन पर है अपनी टीएसजी आर्मी 153 पॉइंट्स के साथ, और गाइस 8th पोजीशन पर अपनी ईस्पोर्ट्स वाला 150 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस यहाँ पर न्यू टीम है, बट गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है। और गाइस यहाँ पर 9th पोजीशन पे अपनी गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स 150 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस इनका परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी मंच है जो कि डाउन चल रहा है। और गाइस 10th पोजीशन पर अपनी 4ND जिसमें जो कि रोनित खेल रहे हैं, और गाइस ये टीम काफी बढ़िया यहाँ पर मचा भी रही है। और गाइस यहाँ पर इन्होंने 10th पोजीशन पाई है 148 पॉइंट्स के साथ। सितंबर मंथ की जो कि टॉप 10 टीम्स थी गाइस, तो वो यही थी। और गाइस इसमें काफी बड़े टीम्स का यहाँ पर समावेश नहीं है, जैसे कि टीम वाइटलिटी, केमिंग ई स्पोर्ट्स। तो गाइस हाल फिलहाल में इनका परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही डाउन चल रहा है। आशा करते हैं कि गाइस इनका परफॉर्मेंस जो कि मतलब अप हो, और गाइस ये भी हमें जो कि टॉप 10 की लिस्ट में दिखाई दे। गाइस यहाँ पर आपको क्या लगता है अक्टूबर में जो कि कौन सी टीम टॉप करेगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना। हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Or you just gonna take that? Or will you fucking fight back?